नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। प्रदेश में कई नदी उफान पे हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम इस वक्त पटना के घाट पे मौजूद हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर पीछे देख सकते हैं कि कितना भयावह ये दृश्य है। पानी का जलस्तर कि कितना बढ़ा हुआ है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण राजधानी पटना में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जहाँ तक हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले जहाँ किसान सब्जियाँ उपजाते थे, अब वह इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। जेपी गंगा पथ बनाने वाली कंपनी प्लांट की चारों तरफ भी पानी पहुँच चुका है। ऐसे में फरक्का बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर पटना गंगा घाट के किनारे होने वाली गंगा आरती को भी बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश से सोन नदी में काफ़ी पानी छोड़ा गया है। उसका असर गंगा नदी पर दिख रहा है। पिछले दिनों 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी सोन नदी में छोड़ा गया था। उसके बाद भी लगातार सोन नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उसके साथ ही उत्तर बिहार के नदियां से भी गंगा में पानी आ रहा है और मानसून की सक्रियता भी बढ़ी है। इस सब के कारण गंगा नदी बिहार में अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान पर है। पटना के कई घाट पर पानी जो है सीढ़ी को खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। हर तरफ जल ही जल नज़र आ रहा है। गंगा के साथ पुनपुन का भी जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ी है, ये पहले लोग यहाँ पे आके शाम का टाइम वक्त बिताते थे और ये गंगा का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, पुल बनाने वाली जो कंपनी है उसके चारों तरफ पानी का जिस तरीके से खतरा है देख सकते हैं। पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। पूरे जो है काम करने वाली जो कंपनी है उसका सिर्फ जो है पूरे तरह जहाज जलमग्न हो चुका है। ऊपर हालांकि काम हो रहे, कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। रूपा। पहले आते थे घूमने के लिए यहाँ पे, अब पानी का पूरा जलमग्न हो चुका है ना? पहले नहीं पानी था, पानी था वहाँ पाया था, वहाँ पाया से आओ आगे तक पानी था। हम तो पानी लेने आते थे पूजा करने के लिए, तो आओ आगे तक। दोहरा घाट बन गया, दोहरा घाट शिला देवी। अब इन्ने बढ़ा, 4 रोज में इन्ने बढ़ गया पानी। अच्छा, 4 रोज में जो बारिश जो हुआ उसके कारण? हाँ, वही बढ़ा है। आज तो कुछ घट गया है पानी, आना तो एकदम ऊपर में था पानी। सीरिया एगो है जहाँ तक पानी भरल है। पहले आप लोग घूमने आते थे, पानी है, पाया को ऊपर की तक पानी पानी था, पाया को ऊपर की था, बाकी अथी धीरे धीरे से अथी सामान हेला तो पानी बढ़ने लगा। वही बात तो है, घूमने के लिए आए। पानी का ये जो रौद्र रूप है ये देखने के लिए आए कि घूमने के लिए डेली आते हैं? घूमने आते हैं। गंगा का नज़ारा अभी जो बहुत बेहतर लग, अच्छा लग रहा है। पानी इतना इतना खतरे के निशान से पार हो चुका है। हाँ, पार हो गया। रोज हम आते हैं, सरलो सान भरलो भादो सब दिन आते हैं। गंगा मैया चल भी जाती है नो तब वो आते हैं हम लोग। हाँ, सब दिन आई तो नेपाल वाला पानी छोड़ दिया है। गंगा मैया थोड़े आगल थी ना, नेपाल वाला पानी छोड़ा है। घूमने के लिए आए हुए, डिब्बा लेके आए हुए गंगा जी का पानी लेने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राखी। पानी गंगा गंगा जल लेने के लिए आई हुई है? पॉज कीजिएगा। देखिए, लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पूरे इलाके जो है जलमग्न हो चुका है। इस इलाके में स्थानीय लोगों से हम बातचीत भी किए और लोग यहाँ पे घूमने आते थे शाम के टाइम में। देखिए, कुछ लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी जलस्तर बढ़ा हुआ है ना पानी का, पहले घूमने आते जी। हाँ, पानी वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और बढ़ने की भी संभावना है। अभी तो पानी बाकी है और यहाँ पर जो शराब बिक रहा है उसका कुछ नहीं कर रहा। शराब जो बिक रहा है यहाँ पर, अच्छा, कोई पकड़ाई उड़ाई नहीं, आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, उसके ऊपर भी होगा कार्रवाई, उसके ऊपर भी बात हो। हम पानी के ऊपर आए हुए हैं, पानी पे बातचीत करना चाहते हैं आपसे। आप लोग स्थानीय लोग हैं, घूमने के लिए आते थे यहाँ पे। जिस तरीके से देखिए, ये घास, देखिए ये दूर से घास जो रौद्र रूप है गंगा का, ये घास दूर से जो स्थिति है, पूरे इलाके में पानी ही पानी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले पानी जो है पाया कि उस पार तक रहते, लेकिन अभी जो है कुछ दिन से
चौगे वाला है, चौगे वाला है, पानी बाढ़ आ गया है। आप लोग घूमने के लिए आते थे पहले, है ना? अभी भी घूमने के लिए आए हुए हैं, काफी पानी का रौद्र रूप देखने के लिए आए हुए हैं। जी पानी तो अभी बहुत नीचे है, पानी की ऊपर तक आ जाता है, ऊपर तक आ जाता है। इस बार अभी तो नहीं आया अभी तक, अभी 2 फीट पानी और बढ़ेगा, 3 फीट। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि खतरे के लाल निशान जो है उसके ऊपर पटना का गंगा आ चुका है। हाँ, उसके ऊपर मैंने बह रहा है, लेकिन नहीं आपका मैंने यहीं से है ना, रोशन घाट से उधर मैंने पानी चढ़ा हुआ है। ये रौद्र रूप देखने के लिए आप लोग यहाँ? नहीं नहीं, ऐसे हम लोग डेली गंगा किनारे, गंगा किनारे का आनंद लेने के लिए आए। हाँ हाँ, अरे हम लोग रोज वॉकिंग के लिए, अब क्या करें, रिटायर आदमी आके घूमता है। घूमने के लिए आए इसी बहाने गंगा जी का जो पानी का जो रौद्र रूप है एंजॉय हो रहा है ना। कुछ बोलिएगा नहीं, बस बोल रहा है। अरे हम लोग सेवानिवृत्त है, शाम में समय काटने के लिए गंगा किनारे चले आते हैं। ये भी जो ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया ये सीढ़ी वाला बहुत अच्छा है क्या? आप हाँ। कम से कम समय व्यतीत कम से कम हो जाता है। हाँ, वही प्रॉब्लम यही है कि बकरी का साम्राज्य रहता है, बकरी का। और शाम में जो है अंधेरा होने के बाद असामाजिक तत्व का जमावाड़ा हो जाता है, आगे तो दारू बिकता ही है, जानते ही हैं आप। अच्छा अच्छा, दिक्कत होती है। देखिए किस तरीके से गंगा का, देखिए किस तरीके से गंगा का रौद्र रूप है, पानी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पानी का स्पीड है। और ये गंगा का देखिए किस तरीके से कितना स्पीड से पानी आ रहा है। कुछ बच्चे भी यहाँ पे गंगा में आनंद ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति अभी जो बनी हुई है, जिस तरीके से लाल खतरे के निशान से पटना का गंगा ऊपर जा चुका है, और जो कंपनी पुल बनाने वाली जो कंपनी है उनकी जो सामान है वो सारी देखिए पानी में जलमग्न हो चुका है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। और पटना का जो गंगा का जो जलस्तर है काफ़ी तेज़ गति से बढ़ा हुआ है और लाल खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। और स्थानीय लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने भी बताया कि पहले जो है पानी पाया तक ही, दूसरे पाया तक ही थी, लेकिन इस अभी जो है पानी यहाँ तक पहुँची हुई है, सीढ़ी के ऊपर पहुँची हुई। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अभी और पानी का रौद्र रूप देखना बाकी है, पानी हो सकता है कि ऊपर तक भी आ सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए अपने रेडियो फर्स्ट बिहार झारखंड पर, मैं सदन सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।